लैंग्वेज को इक्वली माना जाता है, काफी डाइवर्स है। बहुत इसको, बहुत जन इसको अम्ब्रेला प्रोविंस कहते हैं, बहुत जन इनको मिनी वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी जो एडेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस है, एक आप हर समय, मतलब मैं इतना कहूंगा, अभी तो कोविड के कारण सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कैंपस में एक्टिविटीज नहीं हो रही है, लेकिन जब ये चीज कंप्लीट होगी, यू कैन विटनेस कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू गेट ए मिनी वर्ल्ड, क्योंकि हर एक कंट्री से यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट वन एंड टू स्टूडेंट। तो यहाँ की कल्चर जो है काफी डाइवर्स है, काफी अडेप्टेबिलिटी वाली फैक्टर आती है। सस्कैचवन जो है एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल अपील मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जॉब जो है बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडीज इज इजीली अवेलेबल। मैं इसके पीछे फिर से यही चीज कहूंगा कि ये इतनी इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है दैट इज रिवॉल्विंग, दैट इज ग्रोइंग डे बाई डे। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ प्रोविंस कहा जाता है इनको, सेल्फ डिपेंडेंस वाली प्रोविंस कहा जाता है। तो आज आप एक ऐसे प्रोविंस में जाएंगे डेफिनेटली जहाँ की जो अपील है इंटरनेशनल, वो स्टैंडर्ड काफी हाई है, वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोविंस। अगर मैं ये भी कहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, $500 आपको शेयरिंग मिल जाएगी, $1,000 आपको मिल जाएगा अपार्टमेंट। तीन फ्रेंड मिलके एक अपार्टमेंट लेते हैं, इट्स कॉस्टिंग $333। अब आप बताइए कि इससे चीप और कहाँ है। तो ये सब फैक्ट्स जो है, ये फैक्ट्स सस्कैचवान की ओवरऑल ओवरऑल सिचुएशंस को आपके पास लाती है। एक ये जो फैक्ट जो है आपको एक इंटरनेशनल अपील देती है। मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखता हूँ, ये तो सस्कैचवान की फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर बात हुई है, अगर हम लोग इंडिविजुअल सिटीज के बारे में बात करें, कनाडा में बहुत फेमस सिटीज है, क्या हम लोग को मालूम है कि एक ऐसी सिटी भी है कनाडा जिसको पेरिस ऑफ कनाडा कहा जाता है, पेरिस ऑफ पायरस? जी हाँ, मैं सस्कैचून के बारे में बात कर रहा हूँ, द बिगेस्ट सिटी ऑफ सस्कैचवान, जिसको पेरिस ऑफ पायरेट या पेरिस ऑफ कनाडा भी कहा जाता है, इनकी सिनेक ब्रिजेस के कारण, वेल प्लान के कारण, इकोनॉमी के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, और रेजीना बीइंग द कैपिटल ऑफ सस्कैचवान, इट इज आल्सो द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर फॉर द सदर्न सस्कैचवान। मैंने दोनों सिटी का नाम क्यों लिया? मैंने दोनों सिटी का नाम इसलिए लिया क्योंकि इनकी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सस्कैचून या रेजीना में है, वो मेरी हर एक कैंपस को जोड़ती है। सो एंड दिस इज द टू इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ सस्कैचवान मूवमेंट, और इनकी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में या माइंस एंड मिनरल्स के बारे में, ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट 4 से 5 साल के अंदर दिस टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिजिएस्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो फायदे आपके लिए ही है, और जैसे कि मैंने कहा, मेरी हर एक प्रोग्राम प्रोविंस रिलेटेड है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने 3 इंस्टीट्यूट सबसे, एक और छोटे से एग्जाम्पल के संग मैं ये कंप्लीट करना चाहूंगा प्रोविंस की फैक्टर। पहली तो आ गई वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस वेदर कंडीशन, दूसरी फैक्ट आती है कि वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तीसरी फैक्ट आती है वन ऑफ द बेस्ट 10% हायर मेड इन आफ्टर टैक्स इनकम। प्रोविंस वाइज के बारे में बात करते हैं कि इनकी इकोनॉमी इतनी ग्रोथ जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट सालाना अप्रोक्स $600 मिलियन इन्वेस्ट करती है टू ब्रिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड द मिनरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सस्कैचवान। इंडिया को वन ऑफ द रिचेस्ट माना जाता है, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टमेंट आती है सस्कैचवान में, तभी उनको सेल्फ डिपेंडेंट प्रोविंस एंड ब्रेड एंड बटर ऑफ कैनेडा भी कहा जाता है। तो ये जो फैक्ट है, ये आपको उस मुकाम पे ले जाती है जहां पे ये सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वी आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द ऑप्शन। और ऑप्शन के बारे में बात करूं तो एक छोटी सी फैक्ट भी आपको बताता हूँ, SINP, लेकिन आई एम नॉट फ्रॉम द इमिग्रेशन, यू ऑलवेज बी इन टच विद नेविगेटर ओवरसीज, दे आर आवर ट्रस्टेड रिक्रूटमेंट पार्टनर। तीन फैक्ट, मिनिमम 1 साल की पढ़ाई, सेकेंड फैक्ट एक रिलेटेड जॉब इन ऑफर, और थर्ड फैक्ट 960 घंटे जॉब, और जॉब ड्यूरिंग योर स्टडी, इसका मतलब है जो पार्ट टाइम जॉब आप करेंगे वो रिलेवेंट हो या ना हो आपकी स्टडी से, वो आवर्स काउंटेबल है। तो ये 960 घंटे को मैं छोटा सा ब्रेक कर दूं, आपको मालूम है अगर आप लोग 1 साल की पढ़ाई के हिसाब से जाते हैं कैनेडा में, जहां पे 2 सेमेस्टर बनते हैं, एक एक सेमेस्टर 4-4 महीने के, और इस टाइम में यू आर एलिजिबल टू वर्क 20 आवर्स से डे। तो 20 आवर्स से डे 4 वीक्स की आती है, तो पर वीक जो आती है 80 आवर्स आ जाती है, 80 आवर्स इंटू माई मिस्टेक, इट्स 20 आवर्स पर वीक,
20 आवर्स पर वीक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 80 आवर्स इन ए मंथ और 8 महीना जिसका है 2 सेमेस्टर, 4 4 महीने का, 8 महीना इंटू 80 आवर्स, 640 आवर्स आपके बन गए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जॉब ड्यूरिंग योर स्टडी इट विल टेक यू टू 640 आवर्स। हम लोग को टाइम टच करना है 960, बचे कितने 320। तो ये 320 के जो है आवर्स किस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग जानते हैं कैनेडियन एजुकेशन जब आप ले रहे हैं तो आपको विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, दी एक्सटेंडेड हॉलीडेज, फेस्टिवल हॉलीडेज सब मिलके अप्रॉक्स 2.5 से 3 महीने की स्टडी ब्रेक मिल जाती है 2 सेमेस्टर की स्टडी। तो 3 महीना नहीं, मैं वहां से सिर्फ 2 महीना लूंगा आपका जहां पे आपको जॉब ऑप्शन मिलेंगे 40 आवर्स पर वीक। तो 40 आवर्स पर वीक का मतलब है 160 आवर्स पर मंथ, 2 महीने 320। पहले ड्यूरिंग योर स्टडी हो गई थी 640 प्लस 320 960 आवर्स। आपने ऑलरेडी तीनों पैरामीटर कंप्लीट कर लिए, आपके एंटायर वर्क परमिट अभी भी अवेलेबल। तो सोच लीजिए कितना इजी है ये SINP। मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद आवर नेविगेटर ओवरसीज एंड बीना मैडम, दे आर आवर ट्रस्टेड पार्टनर। या अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट में मेन मेन पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए वी कैन रिवाइज, दैट इट्स वेरी इजी, बट आई अंडरस्टैंड फॉर पीजी एक्सट्रीमली इजी जस्ट फॉर 1 year कोर्स, दैट इज ऑफ 2 semester 8 months कोर्स, दे आर एलिजिबल टू गेट देयर परमानेंट रेजिडेंसी या व्हाटएवर, बिकॉज 960 hours, हाउ यू कैलकुलेटेड इन वेरी ब्यूटिफुल वे। And second main point, what I understood, there's not important to get a job relation means, and whatever they are studying, it's not important to get the same job, any job they can get, and it can be calculated with the 960 hours. Must be बच्चों को जो थोड़ा सा problem हो रही होगी कि what is this 960 hours? So that is for the permanent residency. If they want to apply, they need these many hours to apply for their permanent residency. And moreover, it's a very cheap, what you told, in $500, they can get a assured accommodation. And it's a very, you know, heavenly country for the taxes, what you told, it's and job opportunity is really on the second number, what you told. I said about the median of the tax income, the weather, the job opportunities and the SINP, all the parameters what international students has ever dreamed about. And what about the, you know, fee range for the students? Because, I will be getting that. So, ये थी मेरी Saskatchewan के बारे में, one of the best, मैं कहूंगा Canada की best province in terms of every parameter. आज कुछ भी parameter में छोड़ देने वाला, एलीट कहा जाता है Saskatchewan वालों को उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन Saskatchewan इज वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोविंस टू स्टे। और Saskatchewan की जो सेफ्टी फैक्टर्स है उसको भी माना जाता है काफी उमदा है, काफी बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद सिक्योरिटी एंड फैक्ट। सो आप हर समय ये सोचिए कि मेरे को बेस्ट ऑफ द फैक्ट कहाँ पे मिलने वाली है। मैं सीबीसी कहूंगा Saskatchewan, और Saskatchewan की जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, मेरी तीनों इंस्टीट्यूट की जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, Saskatchewan की जो एजुकेशन, जो मेरी तीनों इंस्टीट्यूट आपको देखी, दे आर द पब्लिक इंस्टीट्यूट एस्केलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ Saskatchewan। DLI बताइए, SDS बताइए, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहती है, और सबसे अहम बात, दे कम्स अंडर द रीजनल कॉलेज सिस्टम। तो रीजनल कॉलेज सिस्टम को इतना बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम क्यों माना जाता है? जैसे कि मैंने कहा, मेरी हर एक प्रोग्राम प्रोविंस रिलेटेड है, इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोविंस है, एंड मेरी हर एक इंस्टीट्यूट जो है दे आर वेल कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर्स एंड द इंडस्ट्री। सो आज वो जानते हैं कि वंस यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कॉलेजेस, यू आर टेलर मेड फॉर जॉब। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ जॉब इनसाइट इवन बिफोर दे ग्रेजुएट। उनको मालूम है कि कहाँ पे उनको जॉब मिलेगी, वो क्या लेके पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अप्रोच होगी, किसके पास जाना है, क्या। So that is one thing very sure. And some people do say that when you are working in Saskatchewan, parallelly, job is also working with you. You just need to find out, mere ko kya subject pick karna hai. That is one of the major facts related to the education system, what we are providing to you. Regional college system, experimental learning. It's a blended. Co-op bataiye, internship bataiye. Aap industry mein jaake padhai kar rahe hain. Most of the faculties, they are industry leaders.
they do comes up with the life experience they are getting in this scenario, the exposure they are giving business के बारे में. बहुत जन सचकाशन का business province भी कहते हैं. इनकी global approach जो रहती है, you will be going to a province which is in terms of the business volume. आज हर एक international students को free health insurance दिया जा रहा है. Actually it's cutting your overall budget. Post graduation employment के बारे में बात करते हैं. These are one of the best place where you can avail it. आज मेरी जो कॉलेजेस है वो आपको वो प्रोग्राम्स ऑफर करती है जो कि हाई डिमांड है ऑक्यूपेशन की. क्योंकि आज जो मैं आपको प्रोग्राम ऑफर करूंगा वो उस प्रोविंस की खासियत में से आती है. 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, उनको हाई रिगार्ड देते हैं. दे आर आइदर सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड. आज हमारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी हर एक प्रोग्राम्स में है, प्रोवाइडेड यू हैव मैच द क्राइटेरिया. आपको इस कॉलेज का एक पार्ट होना है. आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ योर प्रोग्राम आप जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करेंगे. 500 to 5,000, दैट द अमाउंट आपको कैनेडियन डॉलर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रोवाइडेड यू मैच अप द क्राइटेरिया. मेरे पास तीन कॉलेजेस है आपको ऑफर करने के लिए. पहली कॉलेज जो आती है वो आती है कंबरलैंड कॉलेज. कंबरलैंड कॉलेज की तीन जो है कैंपसेस हम आपको ऑफर करेंगे, मेलफोर्ट, निपविन एंड टिस्डेल. तीनों जो है अपनी यूनिकनेस के कारण काफी फेमस है. आज मेलफोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे आर वेरी फेमस फॉर द लोकल शॉपिंग. दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं इस यूनिक अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करने के लिए. निपविन इज पल्स ऑफ पाइन कहा जाता है इनकी खूबसूरती, रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटी, दी हॉट स्प्रिंग. और टिस्डेल छोटा सा शहर है लेकिन दे आर वेरी फेमस फॉर देयर हेल्थ केयर फैसिलिटी. करंटली सेप्टेम्बर 2020 हमारी नेक्स्ट इनटेक है कंबरलैंड कॉलेज की. और कंबरलैंड कॉलेज की नेक्स्ट इनटेक की जो प्रोग्राम डिटेलिंग आएगी वो अभी तक हम लोग की लॉन्च नहीं हुई है. वंस इट हैज बीन लॉन्च वी आर गोइंग टू शेयर ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स विथ नेविगेटर ओवरसीज एंड दे आर गोइंग टू शेयर विथ यू. हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आती है वो आती है पार्कलैंड कॉलेज. खासियत सब कॉलेज की सेम है. High quality education is recognized by the Canadian employers, well industry connected. और जो regional college के system के अंदर आती है उनकी खासियत में आती है classroom size. Classroom size की अगर हम लोग बात करें 12 to 35, और इस पर हम लोग कितना ज्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हमें यही बिलीव करते हैं the smaller the classroom size, there are going to be more interactions. There is a more interactions, there is a friendliness. The student tend to open up. And there is a more friendliness, there is a relaxed atmosphere, जो कि हर एक international की ख्वाहिश रहती है कि हम लोग जहां पे जाएंगे we gel up. और ये इतना easy क्यों है, क्योंकि यहाँ के diversity factor को लेकर हर एक religion, हर एक language को Saskatchewan equally celebrate करते हैं. Friendly है काफी, relaxed है काफी. आपको problem solving के लिए आप जानते हैं कौन सा दरवाजा knock करना है and it is open for you. स्टूडेंट विंग्स के बारे में बात करते हैं, एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, दे आर दी वॉइस ऑफ यू. आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरीज, कोई भी सिचुएशन लेके उनके पास जाते हैं, दे स्टूड बिसाइड यू, दे बिकम योर वॉइस. आज कैफेटेरिया लॉन्जेस के बारे में बात करें वो इतना फेमस क्यों है, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी जो फैक्टर आती है वो हर समय ये दर्शाती है कि आज आप एक डाइवर्स कल्चर में जा रहे हैं जहां पे हर एक स्टूडेंट इक्वल है. आज पार्कलैंड कॉलेज की जो एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटी थी रजीना से वो फिलहाल बंद है कोविड के कारण, पर डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब वो फिर से रिस्टोर होगी. स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यू हैव ऑल फॉर एवरी प्रोग्राम्स के लिए. पार्कलैंड कॉलेज आपको यॉर्कटाउन इंटरनेशनल कैंपस देती है. काफी खूबसूरत जगह है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है. अप्रॉक्स 20,000 इसकी पॉपुलेशन है. प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी. दिस इज दी सिक्स्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ Saskatchewan. इसकी सराउंडिंग जो है काफी खूबसूरत है. हिल्स है, रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटी प्लेंटी ऑफ. आज पाइन फॉरेस्ट बताइए, लेक्स बताइए, डाउन टाउन बताइए, यू हैव यू से इट दे हैव इट. हमारे पास आपको देने के लिए कंटिन्यू के जो भी प्रोग्राम्स है वो मोस्टली अभी हम यूजी प्रोग्राम्स है. कंटिन्यू केयर असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोग्राम्स. आज आप बिजनेस सर्टिफिकेट, बिजनेस डिप्लोमा जो कि 2 years की है, पावर इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, आज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन. दिस आर द फ्यू नेम्स जो हमारी सितंबर 2022 इनटेक के लिए ओपन होगी. और एक पीजी प्रोग्राम है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट जो कि काफी हाई इन डिमांड रहती है.
तो हेवी वेट ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियंस भी हमारे पास अवेलेबल है सितंबर 2022 के लिए। प्रोग्राम अभी ओपन नहीं हुई है, ये अक्टूबर के फर्स्ट पहले तारीख से ओपन होगी। इनकी जो डिटेल है वो डिटेल्स हम लोग नेविगेटर ओवरसीज को शेयर कर देंगे एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू शेयर विथ यू। लेकिन अगर आप लोग को अभी से और भी जानना है कि मेरे को पार्कलैंड कॉलेज जाना है या कम्बरलैंड कॉलेज जाना है, आप अपने प्रोफाइल को नेविगेटर ओवरसीज के साथ शेयर करवाइए। हम लोग 1-to-1 पर्सनलाइज असेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप सितंबर 2022 के लिए कौन से कॉलेज के कौन से प्रोग्राम के लिए एकदम फिटेड हैं। हमारी जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि जनवरी 2022, आपने ठीक सुना, जनवरी 2022 के लिए ये इंस्टीट्यूट ओपन है आप लोग को एडमिट करने के लिए। ग्रेटनेस कॉलेज की बात कर रहे हैं। खासियत, जो खासियत मैंने पहले दो इंस्टीट्यूट के लिए कॉमन भी कही थी या रीजनल कॉलेज सिस्टम के अंदर जो खासियत आपके लिए है, सेम है, अलग कुछ नहीं है। एड ऑन फैक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो काफी कम पॉइंट होगी, क्योंकि यहाँ की हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अंदाज में दी बेस्ट है। एक छोटी सी पहल करूंगा, अगर किसी को ज्यादा स्पोर्ट्स रिक्रिएशन या एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड है, ग्रेट प्लेन्स कॉलेज शायद ही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो है वी हैव ए डेडिकेटेड एथलेटिक टीम, सन डॉग वर्सिटी एथलेटिक टीम, जो नेशनल लेवल पे रेगुलर पार्टिसिपेट करती है। 4,500 स्टूडेंट्स ईयरली, पार्ट टाइम फुल टाइम कैजुअल यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, हाई इन वॉल्यूम। अगर आप बात करें, ये भी ग्रेट प्लेन्स कॉलेज, सेम आई एम सेइंग अंडर द रीजनल कॉलेज सिस्टम, पब्लिक इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुआन, रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेसिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, एसडीएस कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। देयर आर प्लेंटी टू रिफॉर्म अबाउट इट। हमारी कॉलेज आपको सपोर्ट देती है, इसको छोड़ के भी वी हैव न्यू कमर वेलकम सेंटर, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, दिस आर द टू न्यू कमर वेलकम सेंटर। मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप सस्कैचुआन में जाएंगे, प्लीज अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा। हम लोग काफी एक्टिव है फेसबुक लाइव के थ्रू, आज हम लोग काफी एक्टिव है बल्क एसएमएस के थ्रू, आज हम लोग काफी एक्टिव है व्हाट्सएप ग्रुपिंग के थ्रू, बल्क ईमेल के थ्रू। कोई भी अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी जॉब, इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन सेटलमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज अदर, आपके इनबॉक्स, आपके चैट बॉक्स या आपके ड्रॉप बॉक्स में होगी। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है सस्कैचुआन में वो तुरंत आपके पास आ जाती है। यू बी ने ए एक्टिव मेंबर ऑफ दिस साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट न्यू कमर वेलकम सेंटर। ग्रेट प्लेन्स कॉलेज में 3 कैंपस आपके लिए ऑफर है। किंडस लेक काफी फेमस है अपनी स्पोर्ट्स रिक्रिएशन हेरिटेज के मामले में, और 20,000 इसकी कॉमन इन एंड आउट पॉपुलेशन है, काफी उमदा शहर है। स्विफ्ट करंट, सस्कैचुआन तो सनीएस्ट प्रोविंस है ही, आज दी थर्ड सनीएस्ट प्लेस इन द एंटायर कनाडा, स्विफ्ट करंट 7 लार्जेस्ट सिटी है सस्कैचुआन की, काफी मेजर पॉइंटर है सदर्न सस्कैचुआन की, प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टडी। और वॉरमैन, वॉरमैन की एक खासियत ये कहा जाता है, सस्कैटून वाले ज्यादा बोलते हैं कि हम लोग दरवाजा खोल के पैदल चलना स्टार्ट किए, कुछ देर में वॉमन पहुंच गए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 15 मिनट सस्कैटून से वॉमन पहुंचने के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं द बिगेस्ट सिटी ऑफ सस्कैचुआन और उसके कितने नजदीक आप हैं, तो अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर विद यू। 3 प्रोग्राम्स आपके लिए जनवरी इनटेक के लिए, प्रोग्राम ऐसी जो कि प्रोविंस रिलेटेड है। पहली प्रोग्राम आपको देंगे बिजनेस डिप्लोमा, ये 2 साल की प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स हैं वो ये है कि ग्रेड 12 में आपके पास 60% है, नो सब्जेक्ट बिलो 50, और IELTS 6.5 नो बैंड लेस देन 5। आपने ठीक सुना, 6.5 नो बैंड लेस देन 5। पीटी भी हम लोग लेंगे 63 नो कॉम्पोन लेस देन 50, ड्यूलिंगो 110। अगर आप मैच करते हैं, और डिले मत कीजिए, काफी लिमिटेड सीट हमारे पास है अभी, तो किसी ने भी ग्रेड 12 किया हुआ है आइदर कॉमर्स, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या आपके पास मैथमेटिक्स है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यू कैन अप्लाई फॉर ग्लोबल बिजनेस डिप्लोमा इन ग्रेट प्लेन्स कॉलेज। 2 ईयर की प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर की फीस आती है $17,500 कैनेडियन, सेकेंड ईयर की फीस आती है $14,500 कैनेडियन। विद इन 7 डेज आपको ऑफर लेटर मिल जाएगी, 125 इज द एप्लीकेशन फीस। सच्चे फैक्ट, $500 एज द एलिजिबिलिटी, एज दी एलिजिबिलिटी एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। हमारी जो दूसरी प्रोग्राम है वो है कंटिन्यू केयर असिस्टेंस प्रोग्राम, गेट 12। कोई भी, खासकर जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने ग्रेड 12 मेडिकल लेके किया हुआ है, या GNM है या नर्सिंग है,
आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स को इंकरेज नहीं करता हूँ कंटिन्यू केयर के लिए, लेकिन उसको छोड़ के कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 12 60%, नो सब्जेक्ट बिलो 50, आईएल 6.5, नो बैंड लेस देन 5, कोऑप के संग आएगी। पहले सेमेस्टर में 2 वीक्स की, दूसरे सेमेस्टर में 1 मंथ लॉन्ग। तो एक चीज गौर कीजिएगा, ये एक फैक्ट है कि कोऑप जितनी बड़ी होती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ यू कैन यू आर गेटिंग एडॉप्टेड इन दैट कंपनी इज ऑल्सो हाई। $18,000 इसकी फीस आती है और आपको 18 डेज के अंदर ऑफर लेटर मिलेगी। सेम थिंग $500 एज द एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। लास्ट प्रोग्राम जो आपके लिए है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की, ग्रेड 12 60%, नो सब्जेक्ट बिलो 50, आईएल 6.5, नो बैंड लेस देन 6। ये प्रोग्राम के लिए इवन किसी ने अगर बीएड भी किया हुआ है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। ये भी एक कोऑप के संग आएगी जहां पर आपको 3 वीक का प्रैक्टिकम कंपोनेंट मिलेगा। तो 13,800 इसकी फीस है, विद इन ए वीक आपको ऑफर लेटर मिल जाएगी, $500 एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। तो ये थी डिटेल्स मेरे इंस्टीट्यूशंस की और ये थी डिटेल्स उस इंस्टीट्यूट की जो कि जनवरी के लिए ओपन है। बाकी दो इंस्टीट्यूट पार्कलैंड और कंबालैंड जो कि हमारी नेक्स्ट इनटेक September 2022 के लिए है, उसके डिटेल्स जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होती है हम लोग नेविगेटर ओवरसीज को शेयर कर देंगे उससे। और फैक्ट जो कुछ और आपको मैं एड ऑन बताऊं वो है कि स्टडी गैप, अगर आपका स्टडी गैप है, आप फिर भी सोच रहे हैं कि क्या करना है, आप अपना एप्लीकेशन प्रोफाइल नेविगेटर ओवरसीज से शेयर कीजिए। अगर जस्टिफाइबल है मैं 5, 6, 7, 8 साल तक का भी स्टडी गैप ले लूंगा, बैकलॉग 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी ले लूंगा अगर वो जस्टिफाइबल होती है। एनी बोर्ड, एनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, हम लोग आपकी एप्लीकेशन ग्रांट करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मेरे इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मेरे प्रोविंस को लेकर। तो अगर किसी के पास कोई क्वेरीज या कुछ है तो प्लीज डू लेट अस नो, ड्रॉप इन द चैट मैन। Abhishek, it is really beautiful to listen everything about Saskatchewan and colleges. So, if we can repeat for Great Plains, main points that you are going to accept the gap of 7 to 8 years, even this what it is called repair kind of thing, what it is called backlogs, yeah, 7 to 8 backlog if it is justifiable. And main thing is like IELTS 6.5, even in one module if it's a 5 band, that's the only college I'm looking. And fee is so affordable, 13,500. I will be just interrupting. जो programs के बारे में मैंने कहा administrative assistance, वहाँ पे मेरी requirement है 6.5 no band less than 6. Business program और continue में आप लोग 6.5 no band less than 5 लेकर भी आ सकते हैं. Means what you're saying? Can you repeat it again? Business program जो business diploma है उसकी IELTS requirement है 6.5 no band less than 6. Continue care की requirement है 6.5 no band less than I repeat, business diploma की जो है 6.5 no band less than 5 है. Business program की no less than 5 है. हाँ, 6.5 overall, no band less than 5. Continue care की भी 6.5 no band less than 5 है. Administrative assistant की है 6.5 no band less than 6. क्योंकि वो nursing program is very you know special program. हाँ हाँ. GNM के भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा उसका तो. मैम एक और चीज, ज्यादा नहीं है, आप बिजनेस प्रोग्राम और कंटिन्यू केयर की है 6.5 नो बैंड लेस देन 5, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है 6.5 नो बैंड लेस देन 5 बोला है ना आपने, 6.5 नॉट लेस देन 6, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। और वो सबसे बड़ी बात है, द बिगेस्ट थिंग इज दैट इट इज अवेलेबल फॉर जैन इनटेक, एग्जैक्टली। और पहली बार सस्कैचवान ने ओपन किया है जनवरी इनटेक। Thank you so much. Must be, you know, a lot of students are interested for that. Yeah. And आज मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो गया session. तो अभिषेक, next time what we will do in coming 10-15 days, we will request you again. Yeah. Then what we will do, we will take today one college, tomorrow another college. That will be. 10-15 minutes. And main points we will take. Otherwise, sometimes students don't have that much time. They cannot spend that much time. No worries. So we will take main points next time. Yeah, and that will be 15 minutes yeah. will be sufficient for the students, for each college.
Not in a day, all the three colleges we will talk. No worries for Thank that. you for your cooperation. And Thank anything more if you want to tell to students? I will be saying that till the time we meet again, let it be like this. Be in touch with Navigator Overseas. They are our trusted recruitment partner. आपकी जो भी क्वेरीज कुछ भी रहती है उनके पास जाइए, और जैसे कि मैडम ने कहा अगले 2 से 3 वीक के अंदर फिर से मुलाकात होगी इंडिविजुअल कॉलेज को लेकर. टिल देन बी सेफ एंड टेक योर वैक्सीनेशन, काफी जरूरी है कनाडा पहुंचने के लिए. Yeah, that's an update. Even if a student is having, both the vaccinations, yeah. and before departure, at least 14 days before, they don't need quarantine. But is my, knowledge what I came to know. So it's very important. Baki, this is like a stock market ki tarah daily. Koi news aaj kuch hai, kal kuch hai. Ye change ho raha hai. Aur student ko kahin bhi, matlab departure se pehle, they have to gather all the information. We are giving most of the updates through social media, through our Facebook, through our Twitter account, and whatever the accounts or WhatsApp or everything we are sharing with the students. Mm-hmm. And वो बच्चे को बहुत जरूरी है, अभी अपने वैक्सीनेशन जरूर करवा ले जिन्होंने भी जाना है. एंड वैक्सीनेशन तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, अभी मेरे ख्याल कहीं भी जाने के लिए आपको फुल सर्टिफिकेट चाहिए. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू अभिषेक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. एंड मस्ट बी वेरी सून वी विल मीट यू अगेन. With 111 college and specialization of the programs, that's more important with the students. Thank you so much. Thanks for a lovely time. Thank you. Have a good time. Take care. Same here.